अभिमन्यु गर्भ संस्कार उस कलम का नाम है जिस कलम से माँ अपने बच्चे की तकदीर स्वयं लिखती है, और माँ की लिखी हुई तकदीर दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। अपनी मनचाही संतान को तो हम जन्म दे ही सकते हैं, लेकिन एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए, एक देश के लिए, एक विश्व के लिए अनुरूप संतान जो पूरे विश्व का भाग्य बदल सकती है, इस तरह की संतान को हम पूर्व नियोजित संस्कारों के माध्यम से जन्म दे सकते हैं। जैसे अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर 9 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, मातृ पितृ संस्कार, षटचक्र संस्कार, समृद्धि संस्कार, मंगलम संस्कार, कला सृजन संस्कार, अन्न संस्कार, धर्म संस्कार, पंचतत्व संस्कार, विद्या संस्कार। इन 9 संस्कारों के माध्यम से एक स्वस्थ, सुदृढ़, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घायु, निर्भय, आनंदमय एवं दिव्य संतान को जन्म दिया जाता है। और इसका पिछले 17 वर्षों से हमने तकरीबन 500 कार्यशालाएं ली है 2 दिन की, और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हज़ारों गर्भवतियों को इसके अंदर जोड़ा है, और प्रमाणित स्तर पर हमारे पास इतने 27,000 से अधिक ऐसे सुखी परिवार और ऐसे दिव्य शिशु उपलब्ध है जो इस गर्भ संस्कार को प्रमाणित करते हैं। ये वेद पुराणों से वेद को स्वर्णिम युग बनाने वाली संतानों को जन्म दिया जा सके। पुराना विषय है जिस जो सनातन धर्म में हमारे वेदों में आयुर्वेद में बहुत विस्तृत रूप से वर्णित है, किंतु काल के एक प्रवाह में वो धीरे धीरे थोड़ी कुछ देर के लिए सुषुप्त हो गया, किंतु आज वक्त का, आज समय की डिमांड है, समय की ज़रूरत है कि गर्भ संस्कार को पुनः स्थापित करना है, क्योंकि इस समय युगांतर हो रहा है, यानी अभी कलयुग से सतयुग की ओर मानव बढ़ रहा है, मानव से अतिमानव की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे युग में जहाँ पर अब ये समझ में आ गया है कि केवल आर्थिक संपन्नता ही व्यक्ति को संतुष्ट और आत्म गौरव नहीं प्रदान करती, किंतु सब कुछ और है, यह विश्व समझ चुका है, और ये जो कुछ और है वह है अध्यात्म, और वह उसकी गहरी निधि, गहरी खाने हमारे हिंदुस्तान में है। तो पूरे विश्व को नेतृत्व करने के लिए ईश्वर ने हिंदुस्तान को हमेशा से चुना है आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए, और इस नेतृत्व के लिए हमें भारत की भूमि पर उन असीम शक्तिशाली और असीम गौरवशाली आत्माओं को उतारना है जिससे कि वो विश्व का नेतृत्व कर सकें। तो इसके लिए हमको गर्भ संस्कार करना ज़रूरी है, क्योंकि एक उत्तम आत्मा को जीवन देने के लिए एक उत्तम मेटीरियल भूमि की ज़रूरत होगी। आगरा विकास प्राधिकरण का अभी तक जो मैंडेट रहा है, जो आगरा विकास प्राधिकरण का उद्देश्य है और जितनी भी योजनाएँ आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लाई गई है, उन सभी को 20 मिनट में समराइज करने का प्रयास किया है, ताकि हमारे आगरावासी और प्रदेश के सब लोग जान सकें कि प्राधिकरण के द्वारा क्या क्या किया जाता रहा है और किस तरह से पूरे शहर की योजनाबद्ध विकास के लिए योगदान। इस समय जो मेट्रो योजना चल रही है उसमें कौन कौन सी विशेष है? अभी तो हमारी जो योजना इनर रिंग रोड है और भविष्य में ग्रेटर आगरा आ रही है, और आगरा चौपाटी पर भी कार्य चल रहा है, शास्त्रीपुरम के अंदर जो शास्त्रीपुरम हाइट ग्रुप हाउसिंग है उसको भी लॉन्च किया गया है, जो 112 आवास है ADA फ्लैट्स के नाम से उसको भी लॉन्च किया गया है, तो काफ़ी योजनाएँ ADA की आ रही है। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुए हैं, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।